नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते रहते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी या फिर बायोग्राफी, यानी कि महत्वपूर्ण जो भी चर्चा में व्यक्ति रहते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हम लोग जानते रहते हैं। तो अभी तक हम लोग भारत के आपके पूरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी चर्चा में व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में भी बात करते रहते हैं, और फिर हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपतियों के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी आपके जो फखरुद्दीन अली अहमद खान थे, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था, पांचवे राष्ट्रपति। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ये आपके देश के छठवें राष्ट्रपति थे, छठवें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए ये है इनकी प्रोफाइल। याद रखिए आपकी जितनी भी बायोग्राफी देखते हैं हम लोग, प्ले लिस्ट में एक सूची बनी हुई है जीवनी या फिर बायोग्राफी, उसी में सभी ये जीवनी डली रहती है बायोग्राफी, ठीक है। तो इनकी प्रोफाइल है, देख लीजिए, पहचान लीजिए अपने छठवें राष्ट्रपति को। इनका पूरा नाम क्या था? नीलम संजीवा रेड्डी। इनके अगर जन्म की बात करें तो 19 मई 1913 को हुआ, 19 मई 1913 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। इनके पिता का क्या नाम था? नीलम चिनप्पा रेड्डी। इनकी पत्नी का नाम नीलम नांग रत्नम्मा, और बच्चे कितने थे? एक बेटा और तीन बेटियां। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1 जून 1996 में बेंगलुरु। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये आपका रेड्डी जी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जो आपके देश के छठवें राष्ट्रपति थे उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। कृषक परिवार में जन्म होने के बावजूद वे एक कुशल नेता थे। नीलम संजीवा रेड्डी के पिता का नाम नीलम चिनप्पा रेड्डी, पहले भी आप देख चुके हैं, वे कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथी थे। इनका परिवार भगवान से मैं बहुत अधिक आस्था रखता था, यानी कि भगवान शिव की आराधना करते थे। आप लोग भी किसी ना किसी भगवान को मानते रहते हैं, तो ये भी आपके शिव भगवान को मानते थे। रेड्डी जी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल अड्यार मद्रास में शुरू हुई। इसी विद्यालय में रेड्डी जी अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे, और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्रवेश लिया। किंतु जुलाई 1929 में गांधी जी से मिलने के बाद रेड्डी जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। क्या होता था, कई बार क्या होता था कि बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गांधी जी से मिलने के बाद वो अपनी शिक्षा छोड़ दिया करते थे और अपने आंदोलन में शामिल हो जाते थे गांधी जी के साथ। अगर हम लोग अपने राष्ट्रपति के यानी नीलम संजीवा रेड्डी के राजनीतिक सफर की बात करें, राजनीति में इनकी, तो गांधी जी ने उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया। महात्मा गांधी की बातों कार्यों का रेड्डी जी पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंग्रेजों के विरुद्ध अनेकों आंदोलन में भी खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने विदेशी वस्त्रों को त्याग दिया और खादी को अपने पहनावे के रूप में अपनाए गए। पढ़ाई छोड़ने का उन्हें कभी भी पछतावा नहीं हुआ। अब देखिए 18 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, और अभी आप लोग देख रहे हैं 18 वर्ष में क्या कर रहे हैं लोग, बच्चे पता ही नहीं है कि जिंदगी है क्या, आखिर यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे दिया। रेड्डी जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत थी, वे युवा कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस की सभी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने। 1936
मात्र 23 वर्ष की आयु में वे आंध्र प्रदेश प्रोविंशियल कांग्रेस पार्टी कमेटी के सचिव चुने गए। अपनी योग्यता और गुणों के चलते उन्होंने इस पद पर लगातार 10 वर्षों तक कार्य किया। किसके? कांग्रेस कमेटी के सचिव के। रेड्डी जी 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। मद्रास कांग्रेस विधानमंडल दल के सचिव निर्वाचित हुए। तो ये 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए और मद्रास कांग्रेस विधानमंडल दल के सचिव निर्वाचित किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में नशाबंदी, आवास, मद्य निषेध और वन मंत्री बनकर कार्य किया। यानी कि आपका देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1949 में जो आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं, एक संयुक्त मद्रास राज्य में नशाबंदी, आवास, मद्य निषेध एवं वन मंत्री का कार्य सौंपा गया ने। 1951 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र देकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े हो गए और वे जीत हासिल की। इन्होंने 1951 में रेड्डी जी आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1952 में अपने जोश राजनीतिक सूझबूझ के कारण वे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए। याद रखिए, उप मुख्यमंत्री फिर या उप प्रधानमंत्री, इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है, फिर भी कई लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के चलते कर लेते हैं। कई राज्यों में आपने तीन तीन उप मुख्यमंत्री देखे, कहीं दो दो देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपने अब एक ही समय में एक ही तरह के दो चार नेता हो जाते हैं तो पार्टी टूट ना जाए, इसलिए क्या करते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री का पद बना देते हैं, ठीक है। अक्टूबर 1956 आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और मुख्यमंत्री का कार्यभार रेड्डी जी को सौंपा गया। आंध्र प्रदेश का 1956 में आपके आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ और मुख्यमंत्री का कार्यभार आपके रेड्डी साहब को सौंपा गया। 1959 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक बार कांग्रेस का पार्टी के अध्यक्ष बन गए। दो बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कार्य संभालने के बाद वे वापस आंध्र प्रदेश लौट आए और 1964 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के, ठीक है। किंतु कुछ कारणवश उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। 1964 से 1977 तक रेड्डी जी राज्यसभा के सदस्य रहे। 1967 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में वे थोड़े समय के लिए परिवहन और विमानन, नौवहन और पर्यटन मंत्री भी रहे। लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी आप लोग पढ़िए, उसी में बायोग्राफी जो सोचिए उसी में डली हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में कि जो कार भी नहीं खरीद पाए, कार उन्होंने खरीदी तो लोन लेकर खरीदी, जो उनके मरने के बाद माफ किया गया तब वो चुका लोन, वरना वो अपनी जिंदगी में लोन नहीं चुका पाए। और आज देखिए, अगर एक सरपंच भी बन जाता है तो वो भी फॉर्चूनर ले लेता है, उस समय का प्रधानमंत्री एक गाड़ी का पूरा भार नहीं वहन कर पाया, ठीक है। इनके बारे में कई आपको प्रमुख तत्व मिलेंगे और आपको आश्चर्य होगा देखकर कि ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश में, तो आप लोग इनकी जाकर देखें बायोग्राफी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस सरकार अपने सबसे काबिल उम्मीदवार के तौर पर रेड्डी जी को खड़ा किया। इन्होंने इस समय इंदिरा गांधी का शासन था, उन्हें लगता था कि रेड्डी जी उनकी बात नहीं सुनेंगे और दोनों की सोच में काफी अंतर था, इसलिए उन्होंने सभी वोटरों से कहकर रेड्डी जी को वोट ना देने को कहा और उनकी जगह बीबी गिरी को जिताया गया।
राष्ट्रपति बना दिया गया बीवी गिरी साहब को, वेंकट गिरी साहब को। इस हार से निराश होकर रेड्डी जी अपने गांव अनंतपुर वापस चले गए और कृषि करने लगे। 1975 में वापस राजनीति में आए और 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। इस समय आपकी जनता पार्टी नई नई उभर रही थी, क्योंकि आपको पता हो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, उसके बाद 1977 में चुनाव हुए, तो इसमें इंदिरा गांधी हार चुकी थी। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में अगर नीलम नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो अगले लोकसभा चुनाव में भी आंध्र प्रदेश की नंडयाल सीट से खड़े हुए और यहां से जीते भी हैं। 26 मार्च 1977 में वे लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए। स्पीकर के पद को उन्होंने बाखूबी निभाया, जिससे उन्हें बेस्ट स्पीकर का खिताब भी मिला। 1977 में भी मैं ही 13 जुलाई को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हुए। राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। याद रखिए, जब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बने थे तब ये हार गए थे, उसके बाद दोबारा ये जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने तो ये इनकी जीत हुई। ठीक है, इनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक निर्णय दिए इन्होंने। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का गठन रेड्डी जी ने अपनी लोकसभा की अध्यक्षता के दौरान किया था। वे एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व थे, सामान्य स्वभाव किंतु पक्के राष्ट्रवादी थे। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में नीलम संजीव रेड्डी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। फिर बचता है नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु की, तो ये जून 1966 को 83 वर्ष की आयु में रेड्डी जी का निधन उनके पितृक स्थान में। एक बात याद रखिए, हाँ सॉरी, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। इनका जो निधन हुआ 1 जून 1996 को, कब, 1996 को 83 वर्ष की आयु में रेड्डी जी का निधन उनके पैतृक स्थान में यानी कि बेंगलोर में कर्नाटक में हो गया। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व, मिलनसारिता और उपलब्धता ने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का परमप्रिय बना दिया। ठीक है, तो याद रखना उनका जन्म हुआ 19 मई 1913 को एल्लोर अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था जन्म। उनकी मृत्यु हुई 1 जून 1996 को बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये थी आपकी नीलम संजीव संजीवा रेड्डी की कहानी। आगे हम लोग बात करेंगे हमारे अगले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह,